एक बिहार कैसे सब पर भारी पड़ गया देखिए जरा। ये कहानी वहां से शुरू हुई जहां से बाकी राज्यों की तर्ज पर बिहार पर भी यह शक किया गया कि वो आंकड़े छिपा रहा है। लेकिन इस समय स्थिति क्या है, एक बिहार सब पर भारी ऐसे हुआ कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो आंकड़ा 2000 और 2000 के आसपास पहुंच रहा था, लग रहा था कि 2100, अब नीचे धीरे धीरे अब ये 2000 के नीचे जाएगा, वो आंकड़ा 6148 पहुंच गया। लोग हैरान थे कि अचानक ये क्या हो गया, एक दिन में अचानक मरने वालों की तादाद इतनी कैसे हुई। जब खबर आम हुई तो ये पता चला कि बिहार ने एक साथ 3951 डेथ्स रिपोर्ट की है, और एक साथ क्योंकि ये डेथ्स रिपोर्ट की गई इस वजह से ये जो रिजल्टेंट आंकड़ा देश के संदर्भ में है ये इतना बड़ा हो गया। अब सरकार से पूछा गया, बिहार सरकार से, कि आपने ये क्यों किया, एक साथ इतनी डेथ्स क्यों रिपोर्ट की, तो उन्होंने वजह बताई। अब जो वजह बताई वो हम आपके सामने रखने वाले हैं, उन्होंने क्यों ऐसा किया, बिहार सरकार की दलील क्या है वो देख लीजिए। बिहार सरकार की दलील ये है कि कई लोगों की मौत घर पर आइसोलेशन में ट्रीटमेंट के दौरान हुई, होता है, और इसी तरह की मौतों के बारे में जब हमको पता चला तो हमने उसको करेक्ट किया। दूसरी उन्होंने वजह यह बताई कि कुछ लोगों की मौत घर से अस्पताल ले जाते वक्त हुई, इन ट्रांजिशन हुई, और इस वजह से वो आंकड़े देर से पहुंचे, हमने बाद में उसको करेक्ट किया। तीसरा रीजन उन्होंने ये बताया कि कई लोगों की मौत कोरोना से ठीक होने के बाद, मतलब पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हुई, और बाद में हमने इनको भी शामिल किया और आंकड़े करेक्ट किए। चौथा जो कारण बताया वो ये बताया कि जिलों ने आंकड़ों में हेरा फेरी की, देर से आंकड़े भेजे गए और डिलेड रिपोर्टिंग हुई, हम तक जब पहुंचा तो हमने आंकड़ों को करेक्ट किया। उन्होंने ये भी कहा कि जिला स्तर पर आंकड़े छिपाए गए और जहां पर ये किया गया है उन जिलों के अधिकारियों के ऊपर, वहां के वो अधिकारी जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये हुआ कैसे, कैसे ये सरकार मजबूर हुई कि वो ये आंकड़े रिवाइज करे, अब जरा उसकी कहानी समझिए। सुशासन सरकार की पोल कैसे खुली, पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को इस बारे में फटकार लगाई थी। हाई कोर्ट ने क्या कहा था, पिछले महीने आंकड़ों की सही गिनती करने के लिए कहा था। असल में हुआ यह था, आप जानते हैं कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में बहते हुए शवों को लेकर तनातनी थी। वो कह रहे थे आपके यहाँ के शव हैं, वो कह रहे थे आप ही के यहाँ के शव हैं। ये खासतौर से बॉर्डर वाला एरिया जो है, जो उधर बक्सर के पास, राम रेखा घाट के पास, जहाँ बहुत सारे शव मिले थे। अब हुआ ये कि पटना हाई कोर्ट ने कमेटी बनाकर जाँच कराने के लिए कहा, और 18 मई को बिहार सरकार ने दो कमेटियां बनाकर जाँच शुरू कराई। दोनों कमेटियों ने जिलों में जाँच के बाद अपनी रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट सामने आने के बाद पता चला कि आंकड़े छिपाए गए थे। बिहार सरकार ने कहा कि गलत जानकारी दी गई, हम कार्रवाई करेंगे। अब इससे फर्क देखिए, किस तरीके से इससे पूरे सिनेरियो में फर्क आ गया, वो जरा आपको समझना चाहिए कितना बड़ा फर्क पड़ा। ये देखिए, मौत का आंकड़ा बढ़ा तो फर्क कितना पड़ा, अभी जो मृत्यु दर देश में 1.22% थी वो बढ़कर 1.23% हुई। क्यों, क्योंकि बिहार में 0.76% से बढ़कर 1.32% हो गई। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बिहार में एक दिन में डेथ रिपोर्ट सामने आने के बाद, वो बड़ा आंकड़ा सामने आने के बाद 3900, ये आंकड़ा पूरे सिनेरियो में किस तरीके से फर्क डालता चला गया। अब ये फर्क क्यों आया, क्या इसको ईमानदारी के तौर पर देखा जाना चाहिए, किस ये कोर्स करेक्शन किया गया, कम से कम चीजों को देखा गया कि कहां गलत हो रहा है और उसको सुधारा गया और इसलिए तारीफ होनी चाहिए, या ये बता रहा है कि अंदर खाने क्या चल रहा था और आज आखिरकार वो सतह पर आ गया। गुरु प्रकाश पासवान हमारे साथ जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, प्रोफेसर भी हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं मैं। असित नाथ तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उनका स्वागत करता हूं। सारिका पासवान, प्रवक्ता आरजेडी की, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर सौमित्र रावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं सर, गंगाराम हॉस्पिटल से, अक्लेम डॉक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं। विवेक गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं अपोलो अस्पताल के, आप दोनों को भी का भी अभिनंदन करता हूं मैं इस शो में। लेकिन सबसे पहले जरा इसका पॉलिटिकल एंगल समझें, ये क्यों हुआ, क्या इसको वेलकम करना चाहिए कि ईमानदारी को सामने रखा गया, या असल में दबाव में आपने जब जांच कराई तो आपको अपने ही खिलाफ सच्चाई को सामने रखना पड़ा। गुरु प्रकाश पासवान, देखिए दिनेश जी, आपने अपने ओपनिंग एड्रेस में बहुत अच्छी बात कही है और मैं आपसे कुछ हद तक सहमत भी हूं जब आपने कहा कि कोर्स करेक्शन किया गया है। देखिए, बिहार सरकार की मंशा स्पष्ट है, अगर आंकड़ों की बात हो तो हमने खुद ऑडिट कराया,
जब बिहार सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारी हेल्थ सेक्रेटरी जो कि चीफ सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर हैं वो खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और खुद ही बताते हैं। देखिए हम सबको समझने की आवश्यकता है दिनेश जी, ये अप्रत्याशित संकट था, इस संकट में आंकड़ों को लेकर की कोई बाजीगरी संभव ही नहीं है। बिहार पूरे देश का इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां सरकार ने सुनिश्चित किया गया है कि कोरोना से जिन लोगों के परिवार में मृत्यु हुई है उनको 4 लाख रुपए का सपोर्ट दिया जाएगा और ऑलरेडी 4,000 के आसपास ऐसे लोग हैं जिनको सपोर्ट दिया जा चुका है। तो अगर और नंबर्स आए हैं तो हमें पता चलता है कि और कितने परिवार इससे प्रभावित हुए हैं और उन तक किस प्रकार सरकारी आर्थिक सहायता पहुंचे हम सब जानते हैं। और बार बार जो राजनीति का आरोप लग रहा है, क्या दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ था? दिल्ली में तो 250% का अंतर था, दिल्ली में जो मौत के आंकड़े आए हैं, महाराष्ट्र के जो मौत के आंकड़े आए हैं, लेकिन हमारा ये मानना नहीं है। हम लोग कहते हैं कि संवेदनशील मुद्दा है, संकट अप्रत्याशित था, कोर्स करेक्शन किया गया है, ये सुनिश्चित किया गया है कि जिन परिवार तक लाभ नहीं पहुंच पाया था उन परिवार तक। आप कह रहे हैं कि इतने राज्यों में बिहार ईमानदार है? मैं कह रहा हूं कि कोर्स करेक्शन किया गया है और यह सुनिश्चित किया गया है कि जो परिवार लाभान्वित नहीं हो पाए थे हमारी स्कीम से उनको लाभान्वित किया जाए। सरकार ने खुद ही ऑडिट किया है, सरकार ने ऐसा नहीं कि किसी और कोई खोजी पत्रकारिता तो यहां हुई नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म तो हुआ नहीं है, कोई भंडाफोड़ तो हुआ नहीं है। सरकार खुद ही सामने आकर के गवर्नमेंट इज कमिंग क्लीन अपने आंकड़ों को स्पष्ट किया गया है, आंकड़ों में गड़बड़ी नहीं आंकड़ों को दुरुस्त किया गया है, ये समझने की जरूरत है। और इसमें राजनीति करने का कोई पॉइंट नहीं है। हर स्टेट में देखिए, एक बात बताइए गुरु प्रकाश पासवान जी, आपसे मैं ज्यादा सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ शुरुआत में ही क्योंकि आप सत्तारूढ़ अलायंस को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि ये जो कारण बताए जा रहे हैं कि इन ट्रांजिशन डेथ हो गई, होम आइसोलेशन में डेथ हो गई, उसको वो बाद में आया या पोस्ट कोविड हुआ उसको भी हमने इसमें साथ में रखा और इस वजह से डिले हुआ, कुछ जगहों पर हेरा फेरी हुई उसकी जांच हम करा रहे हैं। मैं एक बात समझना चाहता हूं कि अभी कोविड चल रहा है या दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है, इसको आप कैसे अपडेट किया करें? अगर ये अपडेट का तरीका है आपका कि आपके पास पहले एक आंकड़े आ गए और बाद में आंकड़े जुटाए आपने कोर्स करेक्शन किया, तो ये कोर्स करेक्शन पीरियोडिक होगा क्या, हफ्ते हफ्ते में देखेंगे हम? नहीं, निश्चित रूप से इसको बिहार सरकार लगातार मॉनिटर करेगी। और दिनेश जी हमें यह भी समझने की आवश्यकता है कि आज बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि पहले के आंकड़े और नए आंकड़े में जो गड़बड़ियां हुई हैं इसमें जो भी पदाधिकारी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कहीं से भी सरकार पे आरोप लगा देना, राजनीति करना इस संकट के समय में, एक बात और समझना चाहता हूं कि अगर ईमानदारी है ये तो कोर्ट के ठेलने के बाद ईमानदारी के लिए मजबूर हुई है क्या सरकार? नहीं, देखिए ऐसा है कि कोर्ट कहे ना कहे जो हमारा स्कीम आया था वो कोर्ट के कहने से आया था क्या? कोर्ट ने कहा था कि 4 लाख रुपए देने हैं क्या? देखिए कोर्ट, सरकार, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, लेजिस्लेचर, हमारे संविधान के अनुसार ही गवर्नमेंट के 3 अंग होते हैं और तीनों अंग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो एक दूसरे को एक के खिलाफ खड़ा क्यों करना? ये विरोधी नहीं है, ये समन्वय और सहयोग के साथ काम करते हैं। अंतिम उद्देश्य है जनता का कल्याण और उसी दिशा में ये प्रयास भी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल कहते हैं कि देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि नीतिगत फैसला है वैक्सीन के संदर्भ में, नीतिगत फैसलों के मामले में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ये एक दूसरा मामला है। लेकिन मैं आपके जानकारी में इसलिए ला रहा हूँ कि जो समन्वय की आप बात कर रहे हैं ये समन्वय कई जगहों पर संघर्ष दिखाई देता है। खैर मैं उस पर अभी नहीं जाऊँगा, वो दूसरा मसला हो जाएगा। लेकिन असित नाथ तिवारी, ईमानदारी अप्रिशिएट की जानी चाहिए। लेकिन इसमें ईमानदारी कहाँ है सो मुझे बताइए। ये कह रहे हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं है। गुरु प्रकाश भाई उम्र में मुझसे बड़े भी हैं। गुरु प्रकाश भाई, बिहार के एक अखबार ने, समाचार पत्र ने पटना के 3 श्मशान घाटों के आंकड़े छापे और सरकार के बताए आंकड़े छापे, ये आपको याद होगा। उसके बाद से सारा विवाद खड़ा हुआ है। जब हाई कोर्ट ने कहा कि हम ग्राम पंचायतों से जो मुखिया हैं उनसे जरूरत पड़ी तो वार्ड सदस्यों से भी रिपोर्ट तलब करेंगे कि भाई बताओ गांव में कितने लोग मरे, कैसे मरे। आपको जान के हैरानी होगी, मैं एक दो घटनाओं से बता दूंगा कि सरकार ने किस तरह से इसमें गड़बड़ी की है। ये बदनीयती है सरकार की। स्वास्थ्य विभाग ने 8 जून को मौत का आंकड़ा बताया था 5,458, जबकि उसी दिन अलग अलग अस्पतालों के जो आंकड़े थे उन्होंने कोरोना से मौत बताए थे 9,375। सरकार ने इसी जिस स्वास्थ्य विभाग की बात कर रहे हैं मंगल पांडे जी ने, 7 जून तक सिर्फ पटना, राजधानी पटना में मौत के आंकड़े बताए थे 1,223, जबकि सिर्फ 3 घाट, जबकि पटना में कई घाट हैं, सिर्फ 3 घाटों पर, पटना के 3 घाटों के जो रजिस्टर हैं वो अकेले अप्रैल महीने में ही 3,243 कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जलने का सबूत दे रहे हैं। ये देखिए पूरे राज्य में हुआ।
और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात जिस पर अभी तक हमारा आपका ध्यान नहीं गया है, कोर्ट का ध्यान नहीं गया है, वो मैं आपको बता रहा हूं। बड़ी गड़बड़ी ये हुई कि जैसे 19 अप्रैल को मैंने अपना आरटीपीसीआर टेस्ट कराया सरकारी अस्पताल में जाके, अप्रैल पूरा बीत गया, मई महीना बीत गया, ये जून महीना चल रहा है, आज 10 तारीख है, मेरी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। ऐसे लाखों लोगों की रिपोर्ट नहीं आई है, 59 दिन 60 दिन हो गए, 51 दिन हो गए, अब नहीं आएगी रिपोर्ट, मुझे भी पता है। और अगर इस तरह के मरीज को कुछ हुआ, वो जब अस्पताल गया लंग्स में या किसी और समस्या आई, तो उसे कोविड वाले नहीं, ये बात तो सही है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है आसित नाथ तिवारी, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये जो अंडर रिपोर्टिंग, अगर आप स्मशान के रजिस्टर का मिलान करते हैं, आप जो घोषित मौतें हैं कोरोना के तहत उसके हिसाब से, तो बहुत बड़ा फर्क पाते हैं। लेकिन एक बात बताइए, ये सर नहीं ये सिर्फ बिहार के संदर्भ में है क्या आसित नाथ तिवारी? क्या ये एक नजीर पेश की गई है क्या छत्तीसगढ़ पंजाब में? क्या ये 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 सामने रखा गया है राजस्थान में कि देखिए इस तरीके से रिपोर्टिंग होनी चाहिए डेथ्स की? मैं कह रहा हूं कि इससे भी बड़ी बात है, गांव में चाहे वो छत्तीसगढ़ ही क्यों ना हो या बिहार, गांव के शमशान में कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, वहां से तो आप रिकॉर्ड भी नहीं उठा सकते, वहां तो कोई जानकारी नहीं मिलेगी, नहरों के किनारे, नदियों के किनारे, सड़कों के किनारे कोई रिकॉर्ड नहीं होता, सब वहां भी जलाए जाते हैं। यूपी में क्या हुआ हम सबने देखा, नदी के किनारे क्या हुआ। तो आप क्या कह रहे हैं कि ये सब जगह होता है? तो फिर बिहार सरकार की ईमानदारी की तारीफ कीजिए कि उन्होंने बाद में कोर्स करेक्शन किया। अगर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को लगता है कि गड़बड़ी हुई है, उसे भी वहां कार्रवाई करनी चाहिए और सरकार से, मुखिया से, ग्राम प्रधान से रिपोर्ट तलब करनी चाहिए, हम कहां मना कर रहे हैं। लेकिन साहब सरकार का मुखिया झूठ बोल रहा हो क्या छत्तीसगढ़ में आपने देखा? स्वास्थ्य मंत्री का झूठ बोलना आपने देखा? मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसलिए छत्तीसगढ़ को बेहतर माना जाए कि वहां कोर्ट ने अभी दखल नहीं दिया है, गुजरात में कोर्ट को कहना पड़ा, बिहार में कोर्ट को कहना पड़ा, इसलिए ये दिखा रहा है कि यहाँ पर चीजें ठीक नहीं थी। ठीक है, आपकी इस बात पर मैं जवाब लूंगा गुरुप्रकाश पासवान जी से, लेकिन पहले मैं जरा आरजेडी को भी इसमें शामिल कर लूं। सारिका पासवान भी हमारे साथ जुड़ रही है। सारिका जी, आपकी निगाहों में ये क्या है, ईमानदारी है या मजबूरी है कि आखिरकार सामने लाए, वो भी आधे अधूरे मन से? दिनेश जी, सबसे पहले तो मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि ये जो है ना संवेदनहीनता की पराकाष्ठा, जो कहते हैं ना चरम सीमा पे बैठे लोग ही ये बात बोल सकते हैं कि जो मृतकों की संख्या अभी उजागर हुई है लगभग 4000 के करीब, उनके परिवार वालों को ये आर्थिक लाभ लाभान्वित करेंगे, ये इस तरह की का भाषा का इस्तेमाल बीजेपी के प्रवक्ता के द्वारा मैंने सुना, तो ये तो आप निश्चित रूप से ये जो अभी आंकड़े सामने आ रही है वो हम सब जान रहे हैं कि ये बिहार सरकार ने अपने मन से ये आंकड़े नहीं उजागर किए हैं। महागठबंधन के आरजेडी की तरफ से लगातार ये दूसरा साल है कोविड का, पहले साल से हम जांच रिपोर्ट में जितने गड़बड़ियां हो रही थी, टेस्टिंग की जो संख्या होती, और जिस तरीके से हमने देखा कि मुजफ्फरपुर से लेके बेगूसराय तक में जो धांधलियां हो रही थी जांच रिपोर्ट में, उसको हम लगातार बोल रहे थे, बार बार बोल रहे थे, सरकार की नींद लेकिन खुल नहीं रही थी। और आज ये हाई कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद ये आज आंकड़े जो सामने आए हैं, ये अभी मैं आपको फिर से बोल रही हूँ दिनेश जी, ये अभी आप चंद दिन ठहर जाइए, ये आंकड़े 2-3 तिहाई और बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस तादाद में बिहार में कोरोना से लोगों की मृत्यु हुई है, ये आंकड़े तो अभी पहला है जो बाहर आया है अभी, और ये आंकड़े बहुत ज्यादा है, अविश्वसनीय आंकड़े हैं। हमने देखे हैं कि किस तरीके से गंगा नदी में लाशें बह रही थी, किस तरीके से घाटों के किनारे लाशों को दबाया गया था, शमशान घाटों पे किस तरीके से 5-5, 10-10 दिनों से संख्याओं में लाशें, और ऐसे तकरीबन 28 से 30 हॉस्पिटल ऐसे थे, निजी हॉस्पिटल जहाँ के कोविड के पेशेंट एडमिट हो रहे थे, वहां से आंकड़े अभी तक तो असल में आए ही नहीं है। तो ये जो सरकार आज दावा कर रही है, यहाँ इनकी कहीं भी ईमानदारी नहीं है, ये प्रेशर है, ये अंडर प्रेशर आकर के आज इन आंकड़ों का इनको उजागर करना पड़ा है। ठीक है डॉक्टर विवेक, मैं देख रहा हूँ इशारा, एक सेकंड में पॉलिटिकल व्यू पॉइंट ले लूं, आ रहा हूँ आपके पास। लेकिन सारिका जी ने इस पर जो बात कही है उसमें जवाब दूंगा मैं। अब ये क्या बेनिफिशियरी का सीधा सीधा ट्रांसलेशन था, लाभार्थी लाभ और उस संदर्भ में क्या चीजों को अलग ले लिया गया, ये वाकई संवेदनहीनता दिखा रहा है। लेकिन एक बात मैं सारिका जी ये पूछना चाहूंगा आपसे कि क्या आप इसकी तारीफ करेंगे कि ठीक है ये आप कह रही हैं कि देखिएगा आने वाले दिनों में आंकड़े और बढ़ेंगे सामने आएंगे, मतलब आपको इस बात पर भरोसा तो है कि कम से कम सिस्टम वहां पर आंकड़ों को सही तरीके से लाने लगा है? अब दूसरे वहां मैं बिल्कुल दिनेश जी मैं तारीफ नहीं कर सकती हूँ सरकार की, नहीं ओपोजिशन है आप मत कीजिए, लेकिन आप ये मान रही हैं कि दूसरे स्टेट्स के मुकाबले चीजें ट्रांसपेरेंट हैं डेटा के हिसाब से, वो कम से कम रिवाइज डेटा के साथ सामने आए? बिल्कुल नहीं दिनेश जी, अभी भी ये डेटा ट्रांसपेरेंस नहीं है, अभी भी बाकी है। मैं कह रहा हूँ कंपैरेटिव, कुछ भी एब्सोल्यूशन में नहीं होता सारिका जी, कंपेयरिंग टू द रेस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ दिस कंट्री
आप क्या ये मानती हैं कि बिहार स्टेट कम से कम कोर्स करेक्शन तो किया उसने डेटा में? बिल्कुल नहीं, बिहार सरकार ने अभी भी नहीं वो डेटा को करेक्शन किया है, और अभी जो आंकड़े सामने आए हैं वो कोर्ट के दखल अंदाजी के बाद आए हैं, तो इसे दिखा रहा है कि बिहार सरकार की बंसा कहीं भी अच्छी नहीं थी। अगर अच्छी होती तो इस तरीके के कोर्ट को बीच में इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ उनकी मानसिकता तो साफ है कि वो मौत के आंकड़े छुपा रहे थे, वो बिहार की जनता और मौत के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे वो, तो ये बिहार सरकार की संवेदनहीनता का परिचय है। और अभी बहुत ऐसे आंकड़े आने, सारिका जी मैं आपके पास लौटूंगा थोड़ी देर में। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।